भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 43 शब्दार्थ सहित परी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सोहम हम हरेर मात्य विडंबनेना दशो नृणाम चालयतो विधातु नम्योपलक्ष पदविम प्रसादात् चरामि पश्यं गत विस्मयोत्र शब्दार्थ सह अहम् इसलिए मैं हरे ही भगवान का मर्त्य इस मर्त्यलोक में विडम्बने न बिना जाने पहचाने दृश्य देखने पर निमाम सामान्य लोगों के चालयत मोहग्रस्त विधातु इसे करने के लिए न नहीं अन्य दूसरा उपलक्ष दूसरों द्वारा देखा गया पदवी महिमा प्रसादात कृपा से चरामी घूमता हूँ पशन देखते हुए गतविस्मयः बिना संशय के, के अत्र इस मामले में, में। अनुवाद अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर भर में भ्रमण करने के बाद मुझ मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा भगवान के कार्यकलाप जो इस मध्यलोक के मनुष्य जैसे हैं अन्यों को मोहित करने वाले हैं किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूं अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूं तात्पर्य धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे भगवान कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख न थे अतएव भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाहते थे चाह रहे थे इसमें भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया इस प्रकार वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते रहे किंतु विदुर तो भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे अतएव उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए फलत वे समस्त संशय से मुक्त हो गए उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद न था क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथा कथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह भगवान द्वारा रक्षित है भगवत गीता में भगवान की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्धि ही कहा गया है प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित है किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता यह आश्रित अवस्था सत्व संशुद्धि कहलाती है ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है भगवत भक्त भग जो कि नारायण पर कहलाता है कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें न तो किसी मित्र से मित्र ने न किसी शत्रु ने देखा अथवा पहचाना था इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपयोग उपभोग कर पाए थे जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यलोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे वे न तो उन्हें सम पहचान सके न उनकी महिमा को जान पाए मा मानुषिम वे अभक्तों को सदैव मोहित करने वाले हैं किंतु भक्तगण भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण उन्हें सदैव देख सकते हैं ओम ज्ञान से ज्ञान चंदुष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा इस श्लोक में <coughs> महात्मा विदुर कह रहे हैं कि ये पूरे विश्व में लोगों से अनजान रहकर कोई मुझे पहचान नहीं पाए ऐसे भ्रमण करते करते हुए आ, इस पर कोई आश्चर्य नहीं है किस पे कोई आश्चर्य नहीं है? कि धतराज इस प्रकार से घर में बिल्कुल आ, ये था अः असक्त था और उसका कल्याण नहीं होने वाला उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है भगवान के कार्यकलाप जो इस मतलब के मनुष्य जैसे अन्यों को मोहित करने वाले हैं किंतु भगवान की ही कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूं अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूं यानी सुखी कौन है ये रियलाइजेशन हो रहा है महात्मा विदुर को हुं? उनको कोई शोक नहीं था कि मुझे अभी निकाल दिया गया क्या है लेकिन जब परिभ्रमण किया और भगवान पे पूरा आश्रित रहे तब उनको मालूम पड़ा ओ ये तो सबसे उत्तम अवस्था है और यही सुखमय अवस्था है घर में रहकर भौतिक सुख भुगतना इसमें कोई ये नहीं है सुख नहीं है वास्तविक वास्तविक सुख इसमें है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट क्या है प्रोत कहते धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे हुँ? ये दो भाइयों की कहानी हम अपने जीवन में भी देखते हैं एक भाई भक्त होता है और दूसरा भाई बिल्कुल भौतिकतावादी होता है भौतिकतावादी को ऐसा लगता है कैसा भाई है क्या सुख है उसके जीवन में और जो भक्त है वो बिल्कुल विद्युत महात्मा जी की तरह चिंतित है अपने भाई के लिए कि मूर्ख कब तक जिएगा कब तक इंद्र तृप्ति करेगा इसको सुख नहीं मिल रहा है वो देखता है नहीं मैं कितना सुखी हूं और वो सोचता कि देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूं दो भाई ऐसे होते एक भाई सोचता है कि मैं विदेश जाके बहुत मौज मुझ मजा करूंगा एंजॉय करूंगा और उसका भक्त भाई सोचता है अरे ये नरक जाने का प्रयास करें है ना बिल्कुल सेम यहाँ विदुर महात्मा और दोनों भाई थे लेकिन सर्वदा भिन्न थे ये हमारे जीवन में सा है उसको मालूम नहीं है ध्रुतराज को मालूम नहीं था पर लास्ट में विदुर ने कोशिश करके उसको भाई को भक्त बनाया तो हम देखते हैं दो भाई भक्त बनते हैं ऐसा बहुत मुश्किल है हम सबके जीवन देख सकते हैं एक भाई भक्त है दूसरा भाई कर्मी है तो ये एक पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भक्त है उसको रियलाइजेशन होता है कृष्णा पे आश्रित रहने का कि कृष्णा हमारा सब कुछ आ, संभाल लेंगे हमारा रक्षण करेंगे ये धीरे धीरे भक्त भाई को मालूम पड़ता है हम देख सकते हैं कि भक्त को पूरा विश्वास हो जाता है कि कृष्ण भक्ति सर्व कर्म करता कृष्ण भक्ति करने से हमारा सब कार्य हो जाएगा ये धीरे धीरे विश्वास उसका शुरू होता है हमने बुधवार को सेमिनार में क्या कहा था जो श्लोक लिया था भगवदगीता का कि मुनिगण उस रात्रि में जागते हैं भौतिकतावादी की रात्रि में जागते हैं और जब मुनिकरण का दिन होता है तब ये भौतिकतावादी सो जाते है इसका मतलब क्या है वो इसमें हम समझ सकते हैं तो ये नाइट पाली दिन पाली नहीं है वास्तव में क्या है कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनको बहुत मजा आता है इंद्री तृप्ति में वो उनके लिए दिन है और उस समय जो आध्यात्मिकता के लिए व्यक्ति है आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको क्या लगता है ये मूर्ख है और वो उस समय आत्म साक्षात्कार का प्रयास करता है तो उसका जो दिन है हु? उसको लगता है ये एंजॉयमेंट ही बड़ा अच्छा है हु? और उसके लिए जो आत्म साक्षात्कार करता है वो सोचता है क्या कर रहा है हु? क्या फायदा है इसको यानी उसके लिए वो रात्रि है समझिए इसका अर्थ पूरा तो वो जब जागते हैं कौन भौतिकतावादी तो क्या है वो एंजॉय करते हैं उसको ही वो दिन समझते हैं एंजॉय और उसके आध्यात्मिकतावादी के लिए ये रात्रि है वो सोचता है ये बिल्कुल नरक जाने का रास्ता ही इससे भगवान खुश नहीं होंगे पूरा हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है ये बिता रहे ऐसे ही इसीलिए वो उसमें आशक नहीं वो सोए रहते हैं इंद्रिय तृप्ति में है ना आध्यात्मकवादी उसको कोई पढ़ी नहीं है तो वो उसके लिए रात्रि है है ना आध्यात्मिकतावादी के लिए रात्रि क्या है इंद्रिय तृप्ति करना ये सब नहीं है वो उसके लिए अंधकार है और भौतिकतावादी के लिए सोचते क्या कर रहे सब हमको कुछ करना नहीं है और वो इसके लिए रात्रि है जबकि आध्यात्मिकतावादी के लिए वही रियल दिन है समझ गए ये पूरा इसमें है तो दो भाइयों तो एक भाई के लिए रात्रि दूसरे भाई के लिए दिन है जब दो में से एक भक्त होता है और एक मूर्ख होता है भौतिकतावादी और उसको पूरा विश्वास होना चाहिए और यदि विश्वास नहीं है तो विश्वास डालना पड़ेगा धीरे धीरे और आ जाएगा अपने आप ये एक पूरा प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस है और ये प्रक्रिया हमको कड़वी लग सकती है शुरुआत में ये क्लास सुनना सुबह मंगल आरती करनी माला करना ये कड़वी लग सकती है लेकिन ये प्रोसेस है ये प्रक्रिया है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की जिससे हम धीरे 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 हमारे जीवन में जीवन को हम आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे भगवान में विश्वास हमारा बढ़ता रहेगा एक एक दिन एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम धीरे 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 भगवान की ओर जाते हैं और उसी प्र, प्रमाण से हम भगवान को भगवान में हमारा विश्वास बढ़ सकता है यहाँ इसीलिए कहता है प्रभुपाद कहते हैं ना भक्तिया मामा भी जान आती सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते भक्त ही भगवान को जान सकते और कोई नहीं जान सकते यहाँ कहते हैं कि विदुर तो भगवान देखिए ये ऐसा क्यों होता है ये प्रभुपात पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि एक भाई को भौतिकतावादी है और एक भाई कृष्ण भक्ति में अग्रसर है ऐसा क्यों होता है आप सबके जीवन में ऐसा है है ना <laughs> ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि आ, ज तथा उसके तवादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाह रहे थे इसमें भगवान ने उसे प्रोत्साहित किया इस प्रकार में अधिक अधिक मोहग्रस्त होते रहे यानी वो चाहते हैं कि हम मजा करें भगवान नहीं चाहते फिर भगवान बोलते तथास्तु था, तो जाओ है ना वो दबदबा बनाना चाहते थे कि नहीं उनको देखो मौका मिला क्या मौका मिला महाराज पांडु का मृत्यु हो गया और वैसे धृतराष्ट्र राज्य नहीं कर सकते थे पर पांडु का मृत्यु हुआ इसीलिए राजकुमार का जो तो सब राजकुमार थे बड़े होने की प्रतीक्षा करनी थी और टेम्पररी धृतराष्ट्र राजा बने थे परमिनेंट नहीं शास्त्र के हिसाब से सिद्धांत के हिसाब से पर यह मौका मिला यानी इंद्र तृप्ति का मौका उन्होंने समझा तो बहुत मजा का मौका मिल गया फिर उन्होंने अपने पुत्र लिखते हैं ना कि भौतिकता उनके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाहते थे इल्लिकल। वो इीगल कब्जा करना चाहते थे मतलब इंद्रिय तृप्ति का जब मौका मिलता है तो हमें सावधान रहना चाहिए नहीं तो हम इसमें गिर जाएंगे फिर हम सिद्धांत भूल जाएंगे इसलिए हमारा जीवन सिद्धांत के हिसाब से चलना चाहिए इंद्रिय तृप्ति का मौका हमको प्रत्येक मिलेगा इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए देखिए पांडु राजा राज्य करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन उनको थोड़े समय के लिए राज्य दिया गया तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया इसीलिए ये सावधान रहना हमको जो भक्ति मिली है तो उसमें कहीं पे हमको इंद्रिय तृप्ति का मौका मिले उस को सावधान रहना है नहीं तो हम भी इस प्रकार धृतराष्ट्र की तरह मौका मिलेगा हुँ? और फिर हम भी ऐसे हिंदू चीनी भाई भाई हम भी अपना भाई भी मजा करे हम भी मजा करे क्यों हम ये सब भक्ति में जाए नहीं इसीलिए सावधान रहना है तो इसके लिए भी वार्निंग प्रपात देते हैं कि महात्मा विदुर ने धृतराज का संग किया था लेकिन धृतराज का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा इसको हाँ क्यों वो आश्रित थे भगवान के ऊपर भगवान की भक्ति कर रहे थे तो ये यहां पॉइंट है कि उन्होंने उनको संग दिया ये कहा है मुझे मालूम नहीं है उन्होंने उनको संग लिया उसका संग नहीं लिया इसलिए हम लोग जब हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो भक्त नहीं है हमको सपोर्ट नहीं देते तो उनसे सावधान रहना चाहिए चाहे वो अपना भक्त है चाहे अपने पिता क्यों ना हो हिरण्य का शिपू प्रहलाद सावधान थे हमेशा नहीं पिताजी भगवान कृष्ण ही है आप उनके क्षण में जाओ ये पूरा विश्वास होना चाहिए हम लोगों को ये विश्वास यही हमारे लिए भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम है हम विश्वास नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा और ऐसा नहीं अंधविश्वास लोग सोचते भक्त अंधविश्वास हुए ऐसे सुबह सुबह दौड़ के आ जाते हैं ये वास्तव में अंधविश्वास नहीं है हम शास्त्र के गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से उसके मार्गदर्शन से भक्ति कर रहे हैं वो कभी भी अंधविश्वास नहीं है बाकी सब लोग अंधविश्वास करते हैं तो यहां ये पॉइंट है कि जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो और तीव्रता से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए विश्वास के साथ ये समस्या हमारी चली जाएगी कृष्ण की इच्छा से और कोई समस्या इतनी लंबी नहीं रहती है कोई भी समस्या हा? ये लिखा है ना कि आ, भगवत भक्त जो कि नारायण पर कहलाते हैं कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता यानी हमारे जीवन में समस्या होती है भयभीत नहीं होना है क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे हमको कम से कम ये स्तर तक पहुंचना है कि हमारी सभी स्थिति में भगवान हमारा रक्षण करेंगे हमको ये स्तर तक पहुंचना है कैसे न कैसे और वो कैसे पहुंचेंगे रक्षा कब करेंगे भगवान जब हम मांग हम चाहते हैं जब हम मजाक करते हैं मौज मजाक करते तो भगवान से हम नहीं पूछते कि हम हमारी रक्षा करो हम कार में घूमते हैं हमारे पास कार है तो हम नहीं बोलते भगवान हमारा रक्षा करना लेकिन जब कुछ एक्सीडेंट होता है जब कुछ तकलीफ आती है तभी हम बोलेंगे ना कि भगवान रक्षा करो है ना इसीलिए हम लोगों की सावधान देना चाहिए जब दुख आता है ओके अच्छा है दुख आए हम भगवान की प्रार्थना करके भगवान से रक्षा मांगेंगे तो ये उनको विश्वास ये हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा कि यस जीवन में समस्या आई ये हमको भगवान आगे ले जा रहे यही हमको समझना है एक भक्त को इतना बड़ा नुकसान हुआ धंधे में उसने सोचा अरे ये कितना बड़ा नुकसान हुआ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ लेकिन फिर उसने सोचा नहीं भगवान की जो इच्छा और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो इसको इस पूरा दृढ़ विश्वास हुआ कोई बात नहीं मेरी परिस्थिति है भगवान की इच्छा है लेकिन उसको रियलाइजेशन हुआ कि ये जो बीज ये मेरा प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से मैं भक्ति में प्रगति मेरी हुई है मुझे भगवान के प्रति विश्वास बढ़ गया भौतिकतावादी को क्या है ऐसे समस्या आती है क्या सोचता है अरे यार भगवान ने क्या किया लेकिन भक्त क्या सोचता है अरे मेरी भगवान मेरे भगवान ये चाहते हैं मेरे मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है हु? यही बात है यहाँ कि वो भयभीत नहीं होता है क्योंकि उसे विश्वास है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे इसी संकल्प के साथ विदुर जी अकेले ही यात्रा कर रहे थे और न तो उन्हें किसी मित्र से मित्र ने न किसी शत्रु ने देखा अथवा पहचाना था और इसी तरह वे संसार के अनेक कर्तव्य को करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए थे ये एक पॉइंट हमको समझना है हमारा अभी क्या है हम एंटेंगल है हमारे कौटुंबिक वातावरण में ये तो करना ही पड़ेगा वो तो जाना ही पड़ेगा है हम भक्ति करनी हमको रीडिंग करना है लेकिन नहीं आज तो हमको कैरी गाला में जाना है खाना खाने के लिए जाना है किसी के वहां है तो हम एंटेंगल हो जाते हैं विदुर जी को ऐसा कुछ नहीं था जब मेरे मुझे कोई इन्विटेशन मिलता है ना कहीं जाने का खाने का मुझे बहुत टेंशन हो जाता है क्या यार कितना टाइम निकलेगा जाने आने का एक दो घंटा इतने में तो हम कितना रीडिंग कर सकते कितनी सेवा करते हैं है ना ऐसा हमको होना चाहिए कि करते हुए करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए उसको कोई किसी से मिलना ही नहीं थे, बात ही नहीं करना ही थे हुँ? मेरा फैंड बोलता है कभी कभी मैं अभी आ रहा हूँ शाम को तो यार तुम कहाँ आ रहे हो कितना टाइम बिगाड़ दोगे मेरा हुँ? वो सोचते हैं अच्छा लगेगा तो ये सब चीज है हम बाधित होती है हमारी भक्ति एनी anyway, पर हम डटे रहेंगे कृष्णा भक्ति में तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा और हम भक्ति में बहुत अच्छी तरह प्रगति कर पाएंगे और एक लास्ट एक मिनट जब भगवान को समझना साधारण नहीं है क्योंकि उनकी कार्य मर्त्य जीव जैसे ही है यहाँ लिखे है कि विद्युत जी क्या कहते हैं मर्त्य लोग के मनुष्य जैसे ही भगवान के कार्यकलाप होते हैं जो अन्यों को मोहित करते हैं लेकिन भक्त मोहित नहीं होते हैं वो भगवान की कृपा से मोहित नहीं होते हैं जैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए ये ये लड़का ये खाना खाता है ऐसा सब बीच में हा? और खेल खेलता है गाय चराता है ये भगवान हो सकते है क्या संशय होता है लेकिन भगवान की कृपा से है महानता जान गए फिर ब्रह्मा जी अपने चार मुख के साथ रोते रोते भगवान को प्रार्थना कर रहे मेरी गलती हो गई तो यही बात है कि भगवान का भक्त भग, जानते है भगवान को इसलिए वो सुखी होता है और प्रपात कहते हैं कि जब भगवान इस मृत्यलोक में अपने नित्यानंद में इस श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे तब भगवान के जो शुद्ध भक्त नहीं थे वो न तो उनको पहचान सके और न उनकी महिमा को जान सके वो देख नहीं सके भगवान ने गोवर्धन धारण किया था फिर भी वो भगवान को नहीं मान पाए जब साथ में थे तब अभी जब हम बोलेंगे भगवान ने गोवर्धन धारण किया था तुम देखा था तुमने उस टाइम लोगों को मालूम था कि भगवान ने ऐसा किया है फिर भी लोग नहीं मानते थे तो अभी ये कलयुग के बद्ध जीव है ये चार रस्ते पे लाइन का इंतजार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल आने का वो लोग क्या समझ पाएंगे कि भगवान ने धारण किया है? है नहीं समझ पाते इसीलिए देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हम इस पे विश्वास करते हैं यस कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया है इसलिए आप सब लोग भाग्यशाली है और ये हमारा दूसरा भाग्य कि हम भागवतम सुनते सुन रहे हैं यही बात यही तो हमारा विश्वास दृढ़ करेगा पेपर पढ़ने से आ, कर्मी भाई से बात करने से झगड़ा करने से ये विश्वास थोड़ी होगा हमारा भागवत हमसे विश्वास बढ़ेगा यस ये विदुर महात्मा इतने महान राजवी थे मंत्री थे इतने महान व्यक्तित्व थे वो भिक्षुक की तरह घूम रहे थे न तो उनके कपड़े का ठिकाना था बाल का ठिकाना था कुछ नहीं घूम रहे थे पर वो सुखी थे इसी प्रकार हम लोग सुखी रहेंगे यदि हम भगवान कृष्ण पे पूर्ण आश्रित रहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण भागवतम की जाय शिला प्रभुपाद की जाय कल घोर दामोदरों का क्लास रहेगा घोर फेमि